बिल्कुल ठीक है जनाब, इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं जी। तहरीके इंसाफ के जो पार्टी इलेक्शन है वो मुलतवी हो गए, 24 अप्रैल को हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा होगा। तहरीके इंसाफ के पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात करें, पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पहले भी कराया, इमरान खान साहब ने कोशिश की, नाकाम हुई, इस बार फिर करवा रहे हैं, वो भी अब मुलतवी कर दिए। बाद लोग कहते हैं कि जी बड़ा काम है ये, एक बड़ा काम बड़ा मकसद इनका बहुत बड़ा है, दूसरी किसी सियासी जमात में इतनी जुर्रत नहीं हुई। वाकईतन होने चाहिए पार्टियों में इलेक्शन, हमारी जितनी जमहूरी पार्टी है। देखिए, जमहूरियत की जो सबसे बड़ी एक खूबी है और जो उसको आप कह लेंगे उसकी एक क्वालिटी है, वो यही है कि उसमें जो सियासी पार्टियां होती हैं ना, सिर्फ वो खुद इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, इंटर पार्टी कह लें या फिर आप इंटर गवर्नमेंटल इंटर नेशनल इलेक्शंस कह लें, आप कुछ कुछ भी नाम दे दें। दूसरी तरफ आपके जो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं, यानी कि उन पार्टियों के अंदर ही इंतखाबात होने का जो अमल है, जो सिलसिला है, वही उन पार्टीज़ को और उस मुल्क को, उस तहजीब को, उस मुल्क, उस कौम को जो है हकीकी मानों में जमहूरी बनाता है। अगर आप ये अमल रोक देंगे, अगर आप इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो आप किस तरीके से दावा कर सकते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो जमहूरी इकदार की अलमबरदार जमात, तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें कोई भी हो, उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी बात चूंकि पीटीआई की हो रही है, तो पीटीआई ने आप देखें कुछ अर्सा कबल भी ये इंतखाबात जो है मुलतवी करवाए थे, और पीटीआई के अंदर जो इंतखाबात करने का जो अमल है वो शुरू से जो है आप देख लेंगे वो उसमें कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो इन्वॉल्व रही है, चाहे जस्टिस वजीउद्दीन का साइड पर होने का मामला हो या कोई और मामला हो, हाल ही में कुछ और भी अराकीन थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने अपने आप को सबकदोश कर दिया और वो अलहदा हो गए, तो ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जो पीटीआई की होना, तो इसको पीटीआई की स्ट्रेंथ होना चाहिए था कि वो इलेक्शन होते और उसके जरिए जो है लोग मुंतखब होकर आते और वो पार्टी को आगे लेके चलते, और पीटीआई ये दावा कर सकती थी कि हम ऐसी जमात नहीं है जो कि साइकोफेंट्स की जमात है, खुशामदियों की जमात है और लोटों की जमात है, बल्कि हम ऐसी जमात है जो इलेक्शन के जरिए जो है अपने लीडर्स का मुंतखब।